नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे और अच्छे से सब करियर चल रहा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, आज हम सीखने वाले हैं कि खेमटा में आप ढोलक पर एक उंगली का यूज करके कैसे बजा सकते हैं। एक प्रकार बहुत ही फेमस प्रकार है, आपको काफ़ी अच्छा यह लगेगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सुना है, इसमें आपको एक तो सिंपल सिंपल और थोड़ा सा मतलब इसका जो दूसरा वाला प्रकार भी बता दूंगा, या आप कैसे यूज कर सकते हैं एक उंगली से, क्योंकि ये ज़्यादा आजकल बजाया जाता है और आपने अच्छे अच्छे मतलब जो प्लेयर्स हैं उनसे भी ये सुना होगा। काफ़ी यूज इसका होता है और अच्छा भी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बजाने में, ठीक है। ये वाला तो ये हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप साइड में नंबर देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अपनी ऑनलाइन क्लासेस आप बुक करवा सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो डेली रात को 8 बजे वीडियो आ जाता है आपको। मतलब अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, उससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे टाइम टाइम पर और आप काफ़ी कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। ढोलक, तबला, हारमोनियम कुछ भी अगर आप बाय करना चाहते हैं अपने घर बैठे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ अमेजोन से मतलब मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका बजट है आप खरीद सकते हैं और अपने घर पर मंगवा सकते हैं। उनकी क्वालिटी लगभग काफ़ी अच्छी है। तबला तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आपको वहाँ पर मिल जाता है, हारमोनियम और तबला, ठीक है। ढोलक भी मतलब अगर आप बिगनर्स हैं स्टार्टिंग के मतलब लिए सीखने के लिए अगर आप बाइक करना चाहते हैं तो वहाँ से मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था खेमटा की, अब बात करते हैं इसके सबसे पहले यूज़ करने की। आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो यूज़ आपने जैसे कि कोई भी जैसा दादरा का और या खेमटा का, जैसे डबल वाला जो जैसे खेमटा टाइप बजाया जाता है उसका कोई भी गाना चल रहा है तो उसके बीच में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे गानों में ये बिल्कुल डायरेक्टली भी बजाया जाता है कि यहीं से एकदम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसके बोल देखते हैं, इसको आपने बजाना कैसे है। एक उंगली से ही केवल ये बजाया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सुंदरता से इसको खूबसूरती से बजा पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके बोल आपने कैसे बजाने हैं, ठीक है। इसके बोल हैं दा दा ती दा दा ती ता दा ती दा दा ती दा दा ती दा दा ती दा। शुरू वाला जो दा है वो जंप करना है, दा दा। जंप किया हमने शुरू वाला, धा साइड में बजाया, ता बजाया यहाँ पर और धा को जो है ऐसे जंप किया, धा। फिर है दूसरा वाला धा, सिंपल पहली उंगली से धा धा ती, और ती भी पहली उंगली से बीच में तीन, धा धा तीन, जैसे हम बजाते हैं ना ती, तो ती को चिपकाना नहीं है, ओपन रखना है तीन की तरह, धा धा तीन। फिर है क्योंकि मैंने ती लिखा हुआ है, धा धा ती। फिर है ता, ता के साथ थोड़ा सा गा का यूज करना है, ता धा ती धा, जैसे बेस जा रहा है आप बेस पे भी थोड़ा फोकस करें, धा धा। फिर ती, ती में आप का यूज कर सकते हैं ऐसे, ती। फिर ता, ता के साथ थोड़ा सा गा यूज होगा, ता। फिर है धा और लास्ट में फिर है ती, ठीक है। धा धा ती ता धा ती धा। समझ गए, एक ही उंगली से ये बज रहा है केवल एक उंगली का यूज करके। एक बार इसको फिर से देख लें आपने कैसे बजाना है, धा जंप किया, फिर धा ती ता धा ती, ठीक है। ता पे थोड़ा सा ये गा लगा और जो धा है उसको भी सिंपल ही बजाना, स्लिप नहीं करना, ठीक है। धा धा ती ता धा ती, ठीक है। धा धा ती ता धा ती, सिंपल, बहुत आसान है लेकिन जब बजेगा तो आप खुद खुश हो जाएंगे इसको बजाकर।
प्रैक्टिस आपने करनी है केवल, ठीक है। धा धा ती था धा ती, समझ गए। इस तरीके से आपने ये बजाना है। इसको थोड़ा आप मतलब अब जो ये अभी मैं बजा रहा हूँ ये थोड़ा चेंज है, इसको आप कैसे बजा सकते हैं। धा धा धी ना धा धी धा धा धी ता ता धा धा धी ना धा धी धा धा धी ता ता धा धा धी ना धा धी धा धा धी ता ता धी, सिंपल है, बोले धा धा धी ना धा धी धाता धी ना धाती। सबसे पहले ये वाला धाता धी ना धाती, ठीक है। धा जंप किया, धा फिर ता फिर धी, धी जो है सिंपल धा बजाया, उसके बाद ता बजाया सिंगल धाता धी धा, लेकिन जंप ही करना है। ये ध्यान रखें कि धा को सिंपल ना रखें, ना स्लिप करें, धा को जंप करना है। धा ता धी, उसके बाद ना धा ती, ठीक है। धा ता धी ना धा ती धा ता धी ता ता धी धा ती धा ता धी ता ता धी। इस तरीके से ये बजाना बहुत ज़बरदस्त लगता है, मतलब बिल्कुल स्लो में देखें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बोल भी लिख लें साथ साथ, जो स्क्रीन पर ऊपर हमेशा बोल आते हैं उनको लिखा करें कॉपी में, और फिर इसकी प्रैक्टिस किया करें। वीडियो को चला के छोड़ दें एक बार, नहीं तो चार बार देखें वीडियो को, शुरू से स्टार्टिंग से चला के छोड़ दें, उसके साथ कर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बोल फिर से देख लें कैसे बजाने आपने, ठीक है। धा ता धी ना धा ती फिर धा, खाली वाला जो खाली में आएगा धा वो भी जंप होगा, ठीक है। धा उसके बाद आएगा ता ती फिर आएगा ना ता ती, ठीक है। धा ता धी ना धा ती धा ता ती ता ता धा ता धी ना धा ती धा ता ती ता ता धी ना धा ती धा ता ती ता ता। बहुत गानों में ये बजा हुआ है। स्टार्टिंग से एक बार बिल्कुल स्लो में देख लें कैसे बजाना है। एक एक चीज आपको बता देता हूँ कि करना कहाँ पर, बेस कैसे जंप हो रहा है, कैसे सिंपल रहेगा, ठीक है। धा जंप हुआ, धा हमने ऐसे बजाया, लेकिन ये जंप करना है बेस साइड से। धा फिर है उसके बाद ता, ठीक है। धा ता उसके बाद आएगा धी, एक ही उंगली से ही बज रहा है ये भी, ठीक है। धा ता धी उसके बाद आएगा ना, ना सेम ता की तरह बजेगा, सिर्फ बोल लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से धा ता धी ना धा ती, ठीक है। धाता धी ना धाती धाता धी ना धाती, ऐसे बजाना है। धा ता धी ना धा ती, ये हो गया धाता धी ना धाती। इसके बाद जो धा आएगा ये वाला जंप होगा, फिर धा ता ती, ठीक है। धा ता ती उसके बाद आएगा ता, तो ता के साथ का भी ऐड करना है, ता फिर ता ती, ठीक है। धा ता ती ता ता ती धा ता ती फिर है ता ता ती, सिंपल है, ठीक है। धा ता धी ता धा ती धा ता ती ता धा ता धी ना धा ती धा ता ती ता ता ती धा ता धी ना धा ती धा ता ती ता ता। इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। बजाना कैसे है एक बार आपको बता देता हूँ बजा के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं कई काफ़ी सारे गानों में, मतलब जो भी खेमटा टाइप के बजे हुए गाने, जैसे कि देर ना हो जाए है, और भी मैंने कई सारे गाने आपको बताए हैं और जिनमें कि इस तरीके के पैटर्न बजाए जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। भजन बहुत सारे हैं, और क्योंकि जिसमें खेमटा डबल इस लय में बजा हुआ होता है,
ये पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। यूज करने का तो खुद का आपका माइंड है, आपने कहाँ पर उसको फिट करना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कोई जगह नहीं बनी होती है, वो आपका माइंड है कि ये पैटर्न आप कहाँ पर दिखा सकते हो, वो आपकी कलाकारी है, आपका सीखा हुआ है, सेल्फ माइंड आपका खुद का है कि कहाँ पर प्रयोग करना है। अक्सर जहाँ पर कुछ गाने ऐसे होते हैं कि मैं गानों का ट्यूटोरियल बनाता हूँ तो वहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर यूज होना है, लेकिन ये जो पैटर्न होते हैं ये आपको खुद मतलब देखना होता है कि हाँ ये गाना इसलिए मैं बना हुआ है, ये मैं कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक आप अपने आप ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लासेस कोई लेना चाहता है आप लोगों में से तो कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।